Hey guys, good afternoon. Welcome back to my new vlog. और I hope आप सब मेरी तरह बढ़िया होंगे. और आज का कुछ सीन ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ नानामगता. आज दोस्त लोगों का फ़ोन आया था, कह रहे थे चलो नानामगता चलते हैं. मैंने कहा चलो चलते हैं. फिर आज आपको नानामगता का टूर कराएंगे और आपको गाइड भी देंगे कि आप कैसे कैसे जा सकते हो, और आपको फुल इन्फॉर्मेशन भी देंगे इसके साथ साथ. सो आगे मिलते हैं. मेरा दोस्त वो चौराहे में आ गया है. मैं अभी निकल रहा हूँ बाइक से और मैं रेडी हो गया हूँ. सो चलते हैं, आपको रास्ते में दिखाता हूँ. गुरुद्वारा पहुंच गए हैं. यह गुरुद्वारे की रोड ये सीधे पड़ता है, आपको सामने दिख भी रहा होगा. तो मैं आपको जूम कैमरे से दिखाता हूँ. ये देखो, ये आपको गुरुद्वारा देख रहा है. ये है तो गुरुद्वारा, तो आप देख सकते हैं. सो गाइस, हम फाइनली गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं. ये देखिए, सो ये है गुरुद्वारे की एंट्री. आप देख सकते हैं गाइस, मेरी उंगली के देख रही है. ये है गुरुद्वारे की एंट्री और ऐसा दिखता है कुछ गुरुद्वारा. अभी हम नानकगढ़ आएंगे और गुरुद्वारे के अंदर आ गए हैं. और ये हमने मत्था टेक लिया यहाँ पे, और इसे दूध वाला कुआं भी कहते हैं. गाइस, अभी हम गुरुद्वारे से आ चुके हैं और हमारे साथ ही पोपट हो गया है. मुझे लगा था एवरीथिंग आपकी आपको एक्सप्लोर करूँगा और गुरुद्वारे की फुल इन्फॉर्मेशन दूँगा आपके साथ गुरुद्वारा एक्सप्लोर करूँगा, बट ऐसा हो नहीं पाया. वहाँ पर वर्जित था, कैमरा अलाउड नहीं है. सो आपको बता दूँ वहाँ पर कैमरा ना फोन अलाउड है. गाइस, हम आपको गुरुद्वारा तो दिखा नहीं पाए. अभी हम बॉली शॉप जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम वो भैया की दुकान में जा रहे हैं ये हेलमेट रखने के लिए. सो अभी हम भैया के साथ जा रहे हैं. अभी हम गुरुद्वारा से निकल चुके हैं. सो अभी हम मार्केट वाली रोड में आ गए हैं. आपको दिखाते हैं आगे जाके. हम बॉली शॉप जाएंगे. बॉली शॉप गुरुद्वारा से 2 किलोमीटर की दूरी पड़ता है. और आप गुरुद्वारा आएंगे तो एक बार बॉली शॉप जरूर आइएगा. हम आपको दिखाएंगे रास्ते में बॉली शॉप जाने का रास्ता. और बॉली शॉप एक स्कूल करेंगे गाइस. ये रोड जाती है, ये रोड गुरुद्वारे की तरफ जाती है, और ये रोड बॉली शॉप की तरफ जाती है. तो आप इधर से जा सकते हैं बॉली शॉप की तरफ. तो हम जा रहे हैं पॉली शॉप पहुँच चुके हैं. और ये देखो, ये है पॉली शॉप की एंट्री. सो यहाँ से जाते हैं पॉली शॉप के लिए ऊपर जाते रास्ता. बाइक से यहाँ बाइक के लिए रास्ता ये जा रहा है यहाँ पे रास्ता. सो आपको दिखाते हैं ऊपर के पॉली शॉप के नज़ारे पहुँच कर. सो गाइस, हम फाइनली वो बॉली शॉप की रोड में पहुँच चुके हैं. और मेरे पीछे ये बॉली शॉप आपने देख रखा होगा. यह है बॉली शॉप और ये रास्ता इधर से जाते हैं. अभी हम यहाँ पे वेट करें, एक फ्रेंड आएगा उसका आपको मिलवाते हैं. और ये हमारा दूसरा फ्रेंड ये है विवेक सिंह राणा. सो
सो अभी हम पहुँचे हैं और गुरुद्वारे में तो हमारा पोपट हो गया है, जैसा सोचा था वैसा तो मिला नहीं गाइस, और आपके साथ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। सो देखते हैं अब बॉली शॉप एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ, मिलते हैं आपको। हेलो गाइस, हम अभी बॉली शॉप पहुँच चुके हैं और मेरा दोस्त का वेट कर रहा था, ये है, इसका वेट कर रहे थे हम, अमन सिंह राणा है इसका नाम, इसका अभी तक हाय, और ये इन्हें तो जानते ही होंगे, पहले भी वीडियो में आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं फोटोशूट करने और ये बॉली शॉप के अंदर जाएंगे तो दिखाएंगे आपको। हेलो गाइस, हम अभी बोटिंग करने आए हैं और ये हमारे दोस्त हैं, ये विवेक, और ये हम बोटिंग करने आए, अभी पूरी बुक हमने बुक कर ली है बोटिंग, और सभी हम एक साथ आए हैं। भाई आपका नाम क्या है? जसवीर। जसवीर, तो आप कितने टाइम से कर रहे हैं, आप बोटिंग कब से कर रहे हैं? चार पाँच साल। चार पाँच साल हो गया। तो आप फ्राइडे का कितना कमा लेते हैं? कितनी कमाई? ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, तो ये मेला लगाते बीच में तो फिर कुछ फ़ायदा हुआ कोरोना से? ओके, तो भैया बता रहे हैं कि अभी हो जाता है कुछ कुछ इनका, तो आप भी आएगा एक बार बोटिंग करने, जरूर आएगा हमारे साथ, और हम भैया के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और ये हमारे कैमरा मैन हैं, ये हमारा शूट कर रहे हैं। तो गाइस, आज हमारे विवेक सिंह हमारे बोट चलाने की ट्राई कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने चला पाते हैं। कैसे करूँ? ऐसे? हाँ ऐसे, ऐसे नीचे को करके फिर ऐसे ऊपर को करके फिर ऐसे नीचे करना। आज ये मेरा एक्सपीरियंस लिंग ऐसे कर देख के ऐसे ऐसे करो, फिर नीचे कर लो, अब फिर ऊपर करो। सो अच्छा चला रहे हैं, फिर भी अच्छा लग रहा है, सब सीख जाएंगे फिर फिर। यहाँ पे चला रहे हैं, अपने हाथ से ना सब कुछ चलाते हैं। सही, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पहले कभी किया था ऐसे? कभी नहीं किया था, लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम इनका। तो गाइस आप भी आइए एक बार जरूर, और भैया के साथ जरूर एक बार एक्सपीरियंस लीजिएगा बोटिंग का, अच्छा लगेगा। खड़े होंगे, भैया का फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, इस तरह से हम फोटो शूट करते हैं। और ये हमारे दूसरे ब्लॉगर हैं, ये अभी फोटो वीडियो बना रहे हैं। नहीं, विवेक को फिर से मजा आ रहा है, तो ये फिर से बोटिंग करने लग गए हमारे साथ, इनको अच्छा लग रहा है बोटिंग करना। अरे कैसे यहाँ, ये अभी सीख रहे हैं थोड़ा, पहला दिन है इनका। थोड़े नौ सिक्के हैं, इग्नोर करना, थोड़ा गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये भी ब्लॉग में आना चाहते हैं, ये दूसरे बोट वाले के दोस्त हैं, ये हमारे बोट वाले भैया के। सो हेलो गाइस, हमने बोटिंग कर ली है, अब हम हमारी बोटिंग होगी, 15 मिनट की बोटिंग कराते हैं, अगर आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं। और अभी हम हमारी बोटिंग खत्म होने वाली है, हम बोटिंग सेंटर पर पहुंचने वाले हैं। सो अभी देखते हैं, हम बॉली शॉप तो घूम लिया है, आपको दिखाते हैं, अगर नानक डैम से अगर जाएंगे तो उधर दिखाएंगे, तब तक आप। और ये है हमारे विवेक सिंह और अमर सिंह, तो हम बैठे हैं, तब तक इंजॉय कर रहे हैं सीन, आखिरी पल ये हमारे बोटिंग के, तो मिलते हैं आपको। बोटिंग में ये खाद इकट्ठे भी ले जा रहे हैं और बाइक पे ले जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे शायद ऐसा भी गांव के हैं, तभी ये बाइक ले जा रहे हैं, तो बाइक भी ले जा सकते हैं आप। देखो गाइस, बाइक की भी होती है यहाँ पे। तो गाइस कैसे बाइक रखने हैं ये लोग, ऐसा भी गांव के होंगे शायद, ये बाइक ले जा रहे होंगे वहीं पे, क्योंकि ऐसा भी यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, लमसम बहुत, इतनी दूर यहाँ पे आप देख नहीं सकते, इतनी दूर गांव पड़ता है, तो उधर के लोग होंगे, तभी ये खाते कट्टा ले जा रहे हैं, और ये बाइक भी लेने लगती है। हमने बोटिंग कर ली है और हम जा रहे हैं, ये देखो हमने पैसे दे दिए हैं, और पर पर्सन का 50 रुपीज़ है, आप भी आना कभी एक बार
बोटिंग का मज़ा तो ज़रूर बनता है गाइस। और सो अभी हम देखते हैं नानक सरोवर डैम जाते हैं, पैसे दे दिए, मज़ा आया बोटिंग करके, आप भी आना ज़रूर। 150 रुपये फुल अगर आप बारिंग तो कर सकते हो गाइस, 150 रुपये में बारिंग करते। अभी हम बॉली शॉप से आ गए बोटिंग करके, और ये हम अभी बॉली शॉप से बोटिंग करके आ गए हैं। सो अभी इनकी रील बना रही हैं, इनके पास आईफोन है उनसिंग रान के पास, तो अभी रील बना के आपको दिखाते हैं कैसे रील ये बनाते हैं। तो ये देखिए कैसे जा रही हैं, इनका सूट हो रहा है ये। सो अच्छा लगा गाइस, एक बार आप अमेजिंग बोटिंग एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा हमें बोटिंग करके। सो अभी हम जाते हैं, देखते हैं कहीं जाते हैं। और वैसे आप भी बारिंग नहीं कर सकते हैं, हमने तो बारिंग कर ली क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं, हमारे ये दोस्त है विवेक पवन सिंह, विवेक सिंह राणा, ये पहले भी बोटिंग कर चुका है, तो इनका एक्सपीरियंस बारिंग करने का। आप बारिंग करना चाहते कर सकते हैं, हम 3 जने में 150 रुपये हो गया, तो आप भी कर सकते हैं। हेलो गाइस, हम बॉली शॉप से आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं मार्केट में, नानक सरोवर मार्केट में। हमने ट्रांसपोर्ट लिया था, नहीं लगा मिला ही नहीं हमें, अभी हम आए थे नानक सागर डैम और यहाँ पे बहुत अच्छा झरना सा हो रहा है, मेरे को अमेजिंग व्यू दिख रहा है, आपका बैक कैमरे से दिखाऊंगा। सो अच्छा है एक्सपीरियंस यहाँ का, आप भी आना एक बार। सो मिलते हैं यहाँ पे गाइस, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है गाइस, इतना प्यारा व्यू दिख रहा है इतना। अभी पानी कम आ रहा है लेकिन जब पहले बारिश हुई थी तो बहुत सारा बहाव था, अभी थोड़ा कम आ रहा है तो सही है जितना, लेकिन दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, अमेजिंग व्यू आ रहा है, आप देख लेंगे गाइस। मैंने अभी फ़ोटोशूट करा लिए हैं, 2-3 फ़ोटोशूट कराए हैं और थोड़ी सिनेमैटिक शॉट्स भी बना ली हैं। तो अगर आप देखना अगर आपको देखना है तो मेरे फ़ोटोशूट को, तो मैंने इंस्टाग्राम में आपको डाल दूंगा, ये है मेरा नीचे आएगा इंस्टाग्राम हैंडल, तो मुझे फॉलो कर लेगा। मैं डेली आजकल एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम में और मेरी डेली फ़ोटोज़ आएंगे डिस्प्ले के साथ, और मैंने सिनेमैटिक शॉट डाल बना लिया और आपको दिखा दूंगा, तो आपको थोड़ी देर में इंजॉय कर लेना सिनेमैटिक शॉट्स। और पीछे देखो मेरे पीछे, ये अभी भाई का विवेक सिंह राणा का थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स चल रहा है, ये रील में डालेंगे, सो आपको दिखा दूँ कैसे बना। हेलो गाइस, हमने फोटोशूट और रील शूट कर लिए हैं और हमने बहुत इंजॉय किया, थोड़ी बहुत बातें करी यहाँ पे, और भाई ने थोड़ा नया फ़ोन आईफोन लिया था तो थोड़ा उसको टिप्स दिए हैं कि कैसे कैसे एडिट कर ले, और दिखा था हमने थोड़ा
अब मिलते हैं तब तक। तो हम ऊपर आ गए हैं, ये कहते हैं नागनर सागर डैम से, पार्क से, और अभी हम रोड में आ गए। अब देखो हम घर जाते हैं, और ये अमन सिंह राणा, इसका घर उधर पड़ता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो शायद देखो अब ये घर जाता है। और अभी हम बताते हैं फिर क्या है अपडेट। अभी हम घर जा रहे हैं, और ये हमारे अमन सिंह राणा घर जा रहे हैं, तो बाय कर दो। बाय। ये अभी घर जा रहा है। दोबारा नानकगुट्टा मार्केट आ गए हैं। यहाँ पे हम घर पर चले आए थे, अभी घर जा रहे हैं, तो हमने सोचा गोलगप्पे नहीं खाए बहुत टाइम से। और यहाँ पे फेमस है, यहाँ पे विशेष की शॉप है, यहाँ पे आप आइए तो एक बार जरूर टेस्ट करिए। मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया, चलो तो आज मन किया कि हम गोलगप्पे खा लें। आपको पता कैसे लगता है? गाइस फाइनली मैं सुसईखेड़ा पहुँच चुका हूँ, और यहाँ से विवेक अपने घर जाकर ये बाइक लेके आया था, तो ये हमारे साथ है, अब ये जाने वाला है। और मेरी बैटरी डाउन होने वाली 3% बची है ऑनली, सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। और सो विवेक बाय करते हैं यहाँ पे, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है और ऐसी नई वीडियोस लाने के लिए आप लोगों के लिए। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैंने देखा अभी तक लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और ऐसी नई वीडियो लाने के लिए आपके लिए। और सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन स्टे ट्यून्ड।